अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस अरूबा हेयर। अब हमारी लास्ट क्लास इंग्लिश की है, हम वर्कबुक का काम करेंगे। ओपन योर वर्कबुक। ओके, अब आप सब वर्कबुक ओपन करें। न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 1। ठीक है, वर्कबुक का काम करेंगे। आप लोग के पास स्टेशनरी होनी चाहिए, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर। अपनी पेंसिल को आप सब अच्छे से शॉर्प कर लें। ठीक है, पेज नंबर ओपन करते हैं हम। हमने पोएम रीड की थी, माई कैट। ठीक है, तो अब हमें इसका काम करना है। वर्कबुक पेज नंबर आप सब 7 ओपन करें। ठीक है, आज की डेट राइट करते हैं टॉप पे। 1 मंथ जुलाई है, ठीक है, 7 मंथ है 2020। CW क्लास वर्क है आपका। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पैट्स, पैट्स मीन पालतू जानवर जो हम घर में पालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीड द स्टोरी, स्टोरी रीड करें। ये जो कहानी लिखी हुई है, स्टोरी लिखी है, इसे हमने रीड करना है। इसे रीड करने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो हम ये अच्छे से रीड कर लेते हैं पहले। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। डॉग मीन कुत्ता। हर नेम इज़ फ्लैश, उसका नाम क्या है? फ्लैश। अब यहाँ इसके लिए हर यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये फीमेल है। ठीक है, फ्लैश हैज़ ब्लैक फर। फ्लैश के जो फर हैं, खाल है, वो काले रंग की है, ब्लैक कलर की है। फ्लैश हैज़ अ मार्क ऑन हर हेड। फ्लैश के हेड मीन्स सर पर एक मार्क है, निशान है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है फ्लैश। ठीक है, इसकी फर जो है वो ब्लैक कलर की है और इसके हेड पे एक मार्क है। अब मार्क का कलर आगे बताएंगे। द मार्क इज़ वाइट, मार्क जो है वो सफ़ेद रंग का है। किस रंग का है, नज़र आ रहा है आपको? सफ़ेद रंग का है। इट इज़ लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, ये बिल्कुल लाइट की चमक की तरह है। ठीक है, देखें ये चमक रहा है ना, वाइट कलर शो हो रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर है ये ब्लैक कलर की है, तो इसके ऊपर जो वाइट है तो ये चमक रहा है। सही है, फ्लैश प्लेज ऑल डे, फ्लैश जो है पूरा दिन खेलती रहती है। फ्लैश इज़ वेरी क्लेवर, फ्लैश बहुत ज़्यादा चालाक है। शी कैन डांस, वो नाच भी सकती है, नाचती भी है, नाच भी सकती है। देखें, शी यूज़ हुआ, इट मीन्स फीमेल है, लड़की है। तो आप सबको समझ आई पूरी स्टोरी कि इसमें डॉग का नेम क्या है, उसके फर किस कलर के हैं, उसके हेड पे किस कलर का मार्क है। ठीक है, वो पूरा दिन क्या करती है, वो चालाक है और वो डांस भी कर सकती है। ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब इसके हम नीचे जो सर्कल करने हैं आंसर्स को, वो हम करेक्ट करेंगे। बिल्कुल, नंबर ए पढ़ते हैं। द डॉग्स नेम इज़, डॉग का नेम क्या था, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है। नंबर 1 लिखा हुआ है फ्लैश, स्पेलिंग देखें आप, FLESH फ्लैश, FLUSH फ्लश, या FLASH फ्लैश। स्पेलिंग देखिए कौन सी सेम है, ये रही स्पेलिंग। अब इसमें मैच करें, इन तीनों में से ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, हम इसे सर्कल कर देंगे। किया सबने सर्कल। नंबर बी पर आते हैं। द डॉग्स फर इज़, डॉग के फर किस कलर के हैं, खाल किस कलर की उसकी, ब्राउन है, ब्लैक है या वाइट है। यहाँ देखें, फ्लैश हैज़ ब्लैक फर, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ब्लैक को सर्कल करेंगे, काला था, खाल उसकी काले रंग की है। द मार्क ऑन हर हेड इज़, उसके सर पे जो मार्क है वो किस कलर का है, यहाँ क्या लिखा था, द मार्क इज़ वाइट। ऑप्शन देखते हैं, ग्रे, वाइट, येलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वाइट, वाइट पे सर्कल करेंगे। ठीक है, नंबर डी, फ्लैश प्लेज, फ्लैश खेलती है ऑल डे, पूरा दिन, समटाइम्स कभी कभार, या ऑल नाइट, या पूरी रात। तो यहाँ पर क्या था, फ्लैश प्लेज ऑल डे, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑल डे। ठीक है, नंबर ई, फ्लैश कैन, फ्लैश क्या कर सकती है, सिंग, गाना गा सकती है, डांस, नाचती है, या टॉक, बातें करती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था हमारा करेक्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ था, शी कैन डांस, तो हम यहाँ लिखेंगे डांस, जहाँ लिखा होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। समझ आए? इसे हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं कि हम ऊपर पैराग्राफ जो दिया गया है उसको रीड करके नीचे जो ऑप्शन है उनको सर्कल करें, करेक्ट फॉर्म में लिखें। तो आपको ये पूरा पेज नज़र आ रहा होगा, आपने इसी तरीके से इसे सर्कल करना है। अब हम नेक्स्ट पेज में डेट राइट करते हैं, पेज नंबर 8 ओपन करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ डेट राइट करें 1/7/2020, इट्स आल्सो CW, ठीक है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पर। टॉक अबाउट द पिक्चर्स, यूज दीज वर्ड्स, इस पिक्चर्स के बारे में बात करें और इन वर्ड्स को यूज़ करें, कौन से वर्ड्स को, इन, ऑन, अंडर, नियर, ये चार वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करेंगे। अब जैसा नंबर ए बॉक्स है, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, ठीक है। नंबर बी चेयर है, बिल्ली चेयर के नीचे है, नज़र आ रही है सबको। नंबर सी बॉक्स है, बिल्ली बॉक्स के साथ है, करीब है। नंबर डी चेयर है, बिल्ली चेयर के ऊपर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब हम इन प्रीपोजिशंस के ज़रा मीनिंग पढ़ते हैं। इन, इन का मतलब में, ऑन, ऑन का मतलब पर, अंडर, अंडर का मतलब नीचे, नियर, नियर मीन करीब या साथ में। अब आपको ये पिक्चर्स मैंने अभी भी समझाई है ना कि बिल्ली बॉक्स के अंदर है या बॉक्स में है, बिल्ली चेयर के नीचे है, बिल्ली बॉक्स से करीब है या बॉक्स के साथ है, बिल्ली चेयर के ऊपर है, ठीक है। अब हमें यही इन, ऑन, अंडर, नियर को यूज़ करना है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पर आएँ ज़रा, पेज नंबर 9 पर, यहाँ भी आप सब डेट मैंशन करेंगे 1/7/2020, क्लास वर्क, ओके। अब पढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन, ऑन, अंडर और नियर, वही बात की है, इन, ऑन, अंडर और नियर को यूज़ करते हुए सेंटेंस फिल करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं क्या सेंटेंस पूछा गया है हमसे, क्या क्या बात है। नंबर ए द कैट इज डैश द बॉक्स, कैट जो है बॉक्स के क्या है। अब हम शुरू में सबसे पहले क्या लगाएंगे, नंबर ए क्या है, बिल्ली बॉक्स में है ना, बॉक्स के अंदर है ना, तो में के लिए हमने क्या बताया था, इन यूज़ करेंगे हम, द कैट इज़ इन लगाएंगे यहाँ पर, आई एन इन, नंबर ए था, नंबर ए को हमने नंबर ए से मैच किया, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर है, बॉक्स में है। अब नंबर बी चेयर के नीचे है, ठीक है। नंबर बी पढ़ते हैं हम, द कैट इज़ डैश द चेयर, चेयर के नीचे है, तो नीचे के लिए हम अंडर यूज़ करते हैं, यू एन डी ई आर, अंडर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, आपने पिक्चर को देख के बताना है। नंबर सी, नंबर सी बॉक्स के साथ है, बॉक्स के नियर है, करीब खड़ी हुई है ना बॉक्स के। पढ़ते हैं, द कैट इज डैश द बॉक्स, नियर द बॉक्स, पिक्चर देखी आपने, पिक्चर से देखकर आपने यहाँ लिखा नंबर सी नियर। नंबर डी द कैट इज डैश द चेयर, कैट जो है वो चेयर के क्या है, करीब है, ऊपर है, नीचे है, क्या है, चेयर के ऊपर नज़र आ रही है ना, तो ऊपर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑन, ऊपर या पर के लिए, द कैट इज ऑन द चेयर, नज़र आ रहा है आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। द कैट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, बॉक्स में है, नज़र आ रही है आपको। नंबर बी चेयर के नीचे है, द कैट इज अंडर द चेयर। नंबर सी द कैट इज नियर द बॉक्स, बॉक्स के करीब है। नंबर डी चेयर के ऊपर है, द कैट इज ऑन द चेयर, ठीक है। हमने अब ये कर लिया, अब हम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। डेट हमने ऊपर ऐड कर दी, दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, राइट सेंटेंसेस फॉर द पिक्चर्स बिलो, कह रहे हैं नीचे पिक्चर दी गई हैं, इनको देखते हुए आपने सेंटेंस राइट करना है, जुमला लिखना है। यूज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, इन एंड नियर,
ये तीनों आप इस्तेमाल करेंगे, ऑन इन नेयर। ठीक है, नंबर ए देखें, नंबर ए पे आपको क्या नज़र आ रहा है, कैट और माउस, बिल्ली और चूहा नज़र आ रहा है, आपस में खड़े हुए हैं। अब नंबर बी पे क्या नज़र आ रहा है आपको, बिल्ली जो है चूहे के ऊपर है, उसने उसे पकड़ लिया है, कैच कर लिया है। नंबर सी आपको क्या नज़र आ रहा है कि बिल्ली जो है वो मैट के ऊपर, मींस छोटे कालीन के ऊपर सोई हुई है, नज़र आई। अब हमें इनको ऑन इन और नियर को करते हुए सेंटेंस बनाना है। नंबर ए पर आ जाएं, नंबर ए आपको पिक्चर में क्या समझ आ रही है जो मैंने अभी समझाया आपको, सो आपको कैट और माउस एक दूसरे के करीब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं नंबर ए पे, तो हम नंबर ए पे लिखेंगे, पूरा जुमला बनाएंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे, द कैट, कैट के बारे में बताना ना हमें, द वन फिंगर गैप, द कैट इज वन फिंगर गैप नियर, एन ई ए आर नियर वन फिंगर गैप, द माउस एम ओ यू एस ई माउस फुल स्टॉप। कैट जो है, बिल्ली जो है वो चूहे के करीब है, ठीक है। नंबर बी पे हमें नज़र आ रहा है चूहे को पकड़ लिया है, ठीक है, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, नंबर बी बनाएंगे, द कैट इज ऑन द माउस। अब आप चाहें तो यहाँ माउस भी लिख सकते हैं, रैट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। नंबर सी हमें देखें, ये जो मैट सा है इस पे बिल्ली नज़र आ रही है ऊपर सोई हुई मैट के ऊपर, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, द कैट इज ओ एन ऑन द एम ए टी मैट कालीन छोटा सा, ठीक है, इस पर लेटी हुई है। तो ये हमारा पेज नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है, बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में आपने प्रीपोजिशंस को यूज़ करना है, जो जो बताए गए हैं, इन ऑन अंडर नियर ये बताए गए हैं, तो आपने इन्हीं को अच्छे से यूज़ करना है। पहले सबसे पहले तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, इन मीन में या अंदर, ऑन मीन ऊपर, अंडर मीन नीचे, और नियर मीन करीब, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तीनों पेजेस आज का आपका क्लास वर्क है, पेज नंबर 7, 8 और 9, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे अच्छे से लर्न करना है। अब आप लोग बुक को क्लोज़ कर लें और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।